हे एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर हम लोगों ने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, टेंसेस भी चेंज हो गए, वर्ब फॉर्म्स भी चेंज हो गई, आर्टिकल हमने पढ़ लिया, प्रीपोजिशन भी हो गई। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दिस, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक्टिव क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एमसीक्यूज फटाफट सॉल्व कर आप लोग कर लो, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। रूल्स पहले बता देते हैं ताकि फटाफट आप आंसर करो। क्लियर, आज आपके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, एक्टिव वॉइस में मेन क्या होता है, सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आता है प्लस बाय, और लास्ट में आपका आएगा सब्जेक्ट। दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर जो होता है बहुत माइनर सा होता है और वही हमें पकड़ना है। ठीक है, वी हैव टू कैच दैट माइनर प्रॉब्लम, हमें वही छोटी सी समस्या को पकड़ना है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप एक रेस दौड़ते हो। ठीक है, आप रेस दौड़ते हो तो आप जो है सब्जेक्ट हो गए, रेस जो हो गई वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो हो गई दौड़ना हो गई, मतलब क्रिया जो हो गई वो हो गई दौड़ना। इसमें वही आपका जो रेस यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज होती है टेंसेस के, अगर यहाँ इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडिफिनिट है अगर तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बस आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो इंडिफिनिट हो, कुछ भी हो, बट आप सिर्फ इतना जानो कि जितने भी प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनकी कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बनते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस के नहीं बनते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड योर क्वेश्चन इज ही विल डू द वर्क टुमारो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, व्हाट विल बी योर आंसर। हमने पहले कहा आप टेंस पकड़िए, टेंस यहां पर क्या है, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी ए, बिकॉज यहां पर क्या यूज हुआ है, विल। और आपको पता है कि विल जो है वो हम फ्यूचर में ही यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, और ये सेंटेंस आपका था फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस था, आपको उसको पैसिव में, यानी ये एक्टिव का सेंटेंस है आपको पैसिव में बदलना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको बस आपको बी ढूंढना है, क्योंकि पैसिव में चेंज करते हैं जब, तो वहां पर हम विल और शैल के बाद ऐड क्या करते हैं, बी। बस आपको बस बी ढूंढना था, बी तो इसमें है ही, और आप कहोगे कि यहाँ पे वुड भी तो है, वुड आपकी जो है वो मॉडल वर्ब है, और यहाँ कोई मॉडल वर्ब का यूज नहीं हुआ, अगर यहाँ मॉडल वर्ब का यूज होता तो यहाँ पर कुछ और ही सेंटेंस होता। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कैच द टेंस एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी डी। क्यों, आपका माई सूटकेस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव में। हमने पहले बताया कि एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, माई सूटकेस, तो माई सूटकेस यहाँ पे भी है। अब आप कहोगे माई सूटकेस यहाँ भी है, बिल्कुल है, बट यहाँ पर क्या है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज यूज करते हैं, जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे बीन लग जाएगा।
बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपका जो है तो बीन इसमें भी ना, लेकिन समवन आपका जो सब्जेक्ट है वो बीच में आ गया, उसको लास्ट में आना चाहिए। बस आपको यही, आपको विल दिख जाए एक्टिव में, आप पैसिव में बी ढूंढोगे, आपको एक्टिव में हैज दिख जाए, आप पैसिव में बीन ढूंढोगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, व्हाट विल बी योर आंसर, ए बी सी डी। टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी बी, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये है आपका बाय, दिख गया ना, ये है आपका पैसिव वॉइस में, किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो जब ये क्वेश्चन ही आपका पैसिव वॉइस में है तो आप कन्वर्ट किस में करोगे, एक्टिव में करोगे। वेरी गुड। तो आपका जो चेयरमैन है वो आपका क्या हो, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आया है लास्ट में, यानी ये पैसिव वॉइस में है, तो अब ये कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पर आ गया, तो सब में तो है। अब आप कहोगे सब में है, बिल्कुल है, बट यहाँ पे हैज बीन लगा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका बी सेंटेंस है। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका चेयरमैन पहले आया है और यहाँ पे हैज पहले आया है, यहाँ पे हैज नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। फिर आपका ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है, आपका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि आप, हमने भी पहले भी यहाँ बताया है कि जब आपको हैज मिल जाएगा एक्टिव में तो आप बीन यूज़ करोगे पैसिव में, आपको यहाँ पे पैसिव में बीन मिल गया है तो आप एक्टिव में क्या यूज़ करोगे, हैज। बस द चेयरमैन हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, आपका ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में। क्लियर। आगे देखते हैं, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, ऑप्शन ए बी सी डी, बहुत इजी अभी बताया है। टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि देखिए व्हाई एट इट इज रहता है, एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आपकी चेंज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए प्लूरल है तो आपने डू यूज़ कर दिया, बट जब आप चेंज करोगे तो वहाँ पर सिंगुलर ही तो आएगा, तो जब सिंगुलर आएगा तो आप चेंज करोगे इज एम आर में, तो आप ही के साथ क्या यूज़ करते हो, इज यूज़ करते हो, तो वाई इज ही लाइक्ड बाई यू सो मच, बाई हो गया आपका, यू हो गया और सो मच हो गया आपका, बस और आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, व्हाट विल बी योर आंसर, ए बी सी डी, फास्ट, एंड योर आंसर विल बी ए, बिकॉज प्रिपेयर्ड, यानी कि प्रिपेयर्ड से इस सेंस आ रहा है कि ई डी लग गया, यानी कि ये पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, तो पास्ट सिंपल का आपको सीधा सा रूल पता है कि इंडिफिनिट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिड। तो यहाँ पर आप जब कन्वर्ट करोगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करोगे, तो फील्ड क्या है आपकी, सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फॉर्मर। बस वॉज बींग होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस में टेंस है नहीं, वर प्रिपेयर्ड होगा नहीं, वर बींग प्रिपेयर्ड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फील्ड क्या है, सिंगुलर है ना, तो कैसे होगा, बस आपको सिंगुलर चीज़ें देखनी है। यहाँ पर बींग लग गया इस वजह से होगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस में चला जाएगा और कंटिन्यूस हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे सेंटेंस आपका है सिंपल का पूछ रहा है, जब आप सिंपल को कन्वर्ट करोगे तो सिंपल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वॉज हो जाएगा, द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट विल बी योर आंसर, ए बी सी डी, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी डी। देखिए वर प्लेइंग यानी कि ये कंटिन्यूस में चल रहा है, अभी हमने कंटिन्यूस की बात जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में की है, तो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो क्रिकेट वॉज, और बॉयज यहाँ पर क्या था, प्लूरल था, इस वजह से आपने वर यूज़ किया था, एक्टिव सेंटेंस है ये। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्रिकेट वॉज बींग, आप कंटिन्यूस में बींग ऐड कर देते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, और एज इट इज़ आपका बाई एज यूजुअल रहेगा, बस आपका सब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में, पैसिव में सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, इतना बस ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, ऑप्शन ए बी सी डी, कैच द टेंस, कैच द टेंस, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी ए,
देखिए अगर किसी ने सही पकड़ा हो तो ये बिल्कुल सही है कि उसका आंसर सही है, पास्ट सिंपल है तो हम वॉज यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे बीइंग लग गया तो ये कंटिन्यूअस में चला गया और हम लोग कंटिन्यूअस की बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपको हैव बीन मिल गया ये तो और नहीं होगा, यहाँ पर हैज भी मिल गया ये तो और नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए अ सर्कल वॉज, यानी सर्कल जो है आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वॉज ड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय देम इन द मॉर्निंग, दे चेंज हो जाएगा देम में। क्लियर? आगे देखते हैं, ही टीचेस अस ग्रामर, तो आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, व्हाट विल योर आंसर, कैच द टेंस, आई टोल्ड यू रिपीटली, प्लीज कैच द टेंस, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी बी। देखिए यहाँ पर अस लिखा हुआ है और ये आपका जो टेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट, ईएस जो मिल गया आपको, आपको पता चल गया सिंपल प्रेजेंट है, और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट को जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, अब वो सिंगुलर है प्लूरल है वो तो इसके आगे जो रहेगा वो पता चलेगा। यहाँ पर टीचर्स यूज हुआ है यानी कि हम यूज़ क्या करेंगे अस के अकॉर्डिंग, तो अस आपका क्या है प्लूरल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको हमने पहले ही बताया कि सिर्फ यू और इट नहीं चेंज होता है, यू और इट चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज होता है, जैसे आई हो जाता है मी, यू हो जाएगा यू, वी हो जाएगा अस, दे हो जाएगा देम, और ही शी हो जाता है ही हो जाएगा हिम, और शी हो जाएगा हर। और एक क्या नहीं बदलता है वो है इट, इट एट इट इज सेम रहेगा, इट इट ही रहेगा, दो चीजें नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा, एक यू नहीं बदलता और एक इट नहीं बदलती, बस बाकी सब चेंज होगा। तो यहाँ पे अस का क्या हो जाएगा, अब इसको वॉइस वर्सा कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा वी, आर हो जाएगा क्योंकि वी क्या है प्लूरल नंबर है, तो वी आर टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामर बाय हिम, हिम क्या है आपका सब्जेक्ट है, और पैसिव वर्ब में हमने बार बार इसको कहा है कि पैसिव वर्ब में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में जाएगा। क्लियर? सब्जेक्ट हमेशा पैसिव वर्ब में लास्ट में जाता है। बस आगे देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज, स्पाइसेस नहीं है, मसालों की बात नहीं हो रही है, स्पीसीज ऑन अर्थ, वॉट विल बी योर आंसर, ए बी सी डी, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी बी, ऑल लिविंग स्पीसीज, आपने सब, आपको पता है यहाँ पे भी पहले है, 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 मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये क्या है सब्जेक्ट है, वेरी गुड, आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले रखना है, आपने ऑब्जेक्ट उठा के पहले रख दिया। अब आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा बाद में, इस यहाँ तक तो हमने कर दिया, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब आप कहोगे ना यहाँ ईएस यूज हो रहा है, ना डू डज है, ना डिड है, ना विल है, ना कोई इज एम आर का टेंस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, आपको ये क्या दिखा मस्ट, तो मस्ट क्या होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब में जब आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, मस्ट मिल जाएगा, कुड मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मस्ट एट इट इज रखना, एज इट इज रखना है, बस उसके बाद आपको बी ऐड कर देना है। तो मस्ट के बाद कहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ पे बीन है, यहाँ भी बी है, बट यहाँ क्या है विल है, तो विल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, तो होगा कहाँ से, तो बस आपको क्या करना है बी, सिंपल था, ट्रिकी था, मजा आया, आगे देखते हैं, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, व्हाट विल बी योर आंसर, ए बी सी डी, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी डी, फिर से आप वही कहेंगे, ये देखिए ये क्या है विल बी है ना, यानी ये आपको पता है कि पैसिव वर्ब में आ गया, क्योंकि आप यहाँ बाई भी कैच कर रहे हो, आप यहाँ बी भी कैच कर रहे हो, तो अगर सिर्फ बी होता और ये बाई नहीं होता तो ये वॉइस वर्सा हो जाता, यानी लोन इधर आ जाता, बैंक इधर आ जाता, तो आपका ये सेंटेंस हो जाता एक्टिव में, बट यहाँ पे बी भी लग गया और यहाँ बाई भी लग गया, यानी आपका क्वेश्चन क्या है पैसिव में है। क्लियर है?
अब आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो द बैंक विल सेंशन द लोन, यानी बैंक जो हो जाएगा पहले, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन में वो हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी जब आप एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ का सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पैसिव में जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो जब आप एक्टिव में करोगे तो ये सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, फिर लोन जो है आपका ये क्या है ऑब्जेक्ट यानी पैसिव में, तो जब आप एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में, और विल की जगह सिर्फ विल बी की जगह सिर्फ यूज होगा विल, क्योंकि जब एक्टिव में विल है तो पैसिव में होगा विल बी, और जब आप वॉइस वर्सा करोगे तो यानी अगर विल बी पहले आ जाता है सेंटेंस में तो आप यूज करोगे उसको विल कर दोगे, बस जब आप एक्टिव करो, अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव में बदलो, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलो, सिंपल। तो यहाँ सेंटेंस आपका पैसिव में है, आपने एक्टिव में उसको बदल दिया, बस आगे देखते हैं। ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, अगर किसी को स्लम एरिया नहीं पता तो बता दें वहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं, स्लम एरियाज वहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। अब बताइए आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए बी सी डी, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ही इज टीचिंग, इज टीचिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब रहेगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस उसमें आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, द चिल्ड्रन लिखा है, तो द चिल्ड्रन जो है आपका क्या है, वह जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर चिल्ड्रंस के ऊपर काम हो रहा है, यानी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ ना, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि वह बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ बच्चे उसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट इन द स्लम एरियाज, एरियाज आर बींग टॉट बाय हिम, आर आर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर हो गया और चिल्ड्रन जो हो गया चिल्ड्रंस कभी नहीं होगा, हम लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं, अगर चिल्ड्रन लिखा है तो वो प्लूरल हो गया, उसमें एस जुड़ा है तो कोई वर्ड ही नहीं है, फिर वहाँ पे एस नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एन होगा, एस नहीं होगा, क्लियर। तो द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर, आर अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नंबर है, इस वजह से यहाँ पर आर लगा है। बींग आपको बताया गया कंटिन्यूअस में हम लोग बींग ऐड करते हैं, टॉट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही, बाय आपका रहेगा ही, और सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाएगा, तो आपका यहाँ हो गया हिम, क्लियर। आगे देखते हैं, व्हाई डिड ही ब्रेक द गार्डन वॉल, व्हाट विड बी योर आंसर, ए बी सी डी, टाइम अप, एंड योर आंसर विल बी सी, क्यों, देखिए वाई डिड ही, हमने बार बार कहा है टेंस पकड़िए, आपका डिड कहाँ यूज होता है, पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या यूज करते हो, वॉज और वर यूज करते हो अकॉर्डिंग टू नंबर्स, यानी कि सिंगुलर नंबर है तो वॉज और वर है तो प्लूरल नंबर, और वॉज के साथ आप आई के साथ सिर्फ वॉज यूज करते हो क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्लियर। तो वाई वॉज द गार्डन, मतलब जो गार्डन क्या है सिंगुलर नंबर है, इस वजह से वहाँ पे वॉज यूज हो गया, तो वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम, आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में, ठीक है, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में और आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है पहले, क्लियर। आगे देखते हैं, 13th क्वेश्चन, इट इज बींग रेड बाय अस, रीड बाय अस, सॉरी रीड बाय अस, what will be your answer, a b c d, time up, and your answer will be a, आपको दिख गया होगा यहाँ पे being mentioned है, by mentioned है, clear हो गया कि आपका जो sentence है वो किस में है, passive voice में, अब आप कन्वर्ट किस में करोगे, वेरी गुड, एक्टिव में करोगे, एक्टिव वॉइस में करोगे, तो जब एक्टिव वॉइस में करोगे तो क्या होगा, ये बींग तो हट जाएगा ना, बींग हट जाएगा, बाई भी हट जाएगा, तो आएगा क्या, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब और उसमें आप आई एन जी जोड़ दोगे, किसमें,
जो क्रिया कर रहा है, वर्ब में क्रिया में आप आईएनजी जोड़ दोगे, इट हो जाएगा लास्ट में, बस आपका अस आ गया यहाँ पर पहले, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पैसिव वॉइस में लास्ट में था, एक्टिव वॉइस में पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर? ध्यान दीजिएगा, घुमाने वाला है ये सवाल। टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी ए। कैन क्या है? अभी हमने वो मस्ट वाले केस में बताया था कि जब आपको मस्ट और कैन, कुड ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। इसको अच्छे से लिख दें, कैन मॉडल, बहुत अच्छा लिखा गया, छोड़िए यहाँ लिख देते हैं, कैन मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जब आपको मिल जाएंगे तो आपको उसमें बस बी ऐड करना होता है और सेंटेंस जो होता है सेम वैसा ही रहता है, ठीक है? तो कैन दिस बिग पार्सल, आपको यहाँ क्या मिल गया? बी, बी मिल गया, आपको पता चल गया। अब आप कहोगे बी यहाँ भी तो है, बट यहाँ कुड भी तो लिखा है, तो आपको कैन तो चेंज होगा नहीं, कैन चेंज होगा नहीं, तो कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम, ए बी सी डी, व्हाट विल बी योर आंसर? टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी बी। अब आप कहोगे कि यहाँ बीन क्यों लग गया? देखिए, हमने पहले भी बताया है कि जब आपको मस्ट, कैन ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो आप बी यूज करते हो, बट अगर आपको कुड हैव मिल जाए या फिर वुड हैव मिल जाए, ऐसे वर्ड्स मिल जाए जिसके बाद हैव लगा हो, तो वहाँ पर हैव वाले वर्ड्स में आप यूज़ करते हो बीन, बस ई एन आपको जोड़ देना है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? हैव मिल गया, तो आप यहाँ बस बीन यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे हैव नहीं होता तो आप यहाँ पर बी यूज़ करते, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, बहुत ईजी है, अभी आपने सॉल्व किया इसे, व्हाट विल बी योर आंसर? ए बी सी डी। टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी ए। सिंपल था, बहुत इजी था, अगर किसी ने सही किया हो तो बहुत अच्छी बात। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। यहाँ पर आप लेटर के अकॉर्डिंग इज यूज कर रहे हो, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, वेरी गुड। बींग आप लगा रहे हो क्योंकि रूल है, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट आपका हो गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, बींग प्लस हो जा रहा है बी यहाँ पर, और रिटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई आपको यूज ही करना और सब्जेक्ट हो गया लास्ट में। कुल मिला के आपका छोटा सा जो ब्रीफ समरी निकलता है वो है क्या? देखिए, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, बीच में दोनों में वर्ब सेम रहता है, क्रिया दोनों में होती है, चाहे वो सब्जेक्ट द्वारा। देखिए, अगर आप चाय उगा रहे हो तो आपके द्वारा चाय उगाई जा रही है, दोनों सेम है, मतलब आप काम दोनों में जो कर रहे हो, दोनों में काम कर रहे हो, यानी दोनों में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आप चाय उगा रहे हो और चाय आपके द्वारा उगाई जा रही है, तो जब आप चाय उगा रहे हो तो चाय के ऊपर काम कर रहे हो, और चाय आपके द्वारा उगाई जा रही है मतलब आपके द्वारा चाय के ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब दोनों में मतलब जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपको क्रिया मिल गई, तो यहाँ पर आपका वर्ब हो गया, मतलब चाय आपके द्वारा उगाई जाती है और चाय आपके द्वारा उगाई जा रही है, दोनों का सेम सेंस आया, बट आप चाय उगाते हो और चाय आपके द्वारा उगाई जाती है, दोनों में सेम ही तो सेंस आ रहा है, चाहे रहे हो का हो चाहे जाती का हो। क्लियर है? बस आपको देखना क्या है, पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा जब आप कन्वर्ट करोगे, और एक्टिव में आपका सब्जेक्ट पहले आता है। अगर क्वेश्चन एक्टिव में है तो आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट करोगे, बस आपको वॉइस वर्सा समझना है और इसमें कुछ नहीं करना है। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जिस आप थैंक यू कहना भूल जा रहे थे फॉर योर पॉजिटिव कमेंट्स, प्लीज़ लर्न हाउ मच यू कैन। तो आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की भी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सो थैंक यू एंड बाय, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक केयर।